गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग श्रीवास्तव, वेलकम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू चैप्टर नंबर 5। इन चैप्टर नंबर 5 आई एक्सप्लेन यू सम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सम क्वेश्चन ऑल्सो। टिल क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव सॉल्वड, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5A। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि जो रेशनल, जो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन रहेंगे उन सभी को एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और आपका पहला क्वेश्चन है 4 की पावर -1। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। वी हैव 4/1 की पावर -1, कर ले 1/4 आ जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन a/b की पावर -1 वी गेट b/a। देखिए, ये 4 था, 4/1 की पावर है, तो ये इसका जब a/b की पावर -1 होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए, ये क्या a और b के पावर माइनस वन है ना, इसका हमने रेसिप्रोकल किया, 1/4 हो गया। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, -6 की पावर -1। ठीक है, सिमिलरली सॉल्व, वी हैव -6 की पावर -1, वी गेट -1/6, एंड फाइनली दिस इज माई आंसर। कैसे आया? देखिए, a/b की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, b/a, रेसिप्रोकल। सिमिलरली दोनों जगह यही बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था, a/b की पावर -1 होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा। ठीक, चलिए सर, यहाँ तक आपने बताया, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे कि जब ये -6/1 रहेगा तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो भाई रेसिप्रोकल तो क्या होगा, 1/-6 हो जाएगा ना। पर हम हमेशा जानते हैं कि माइनस का साइन निगेटिव में कभी नहीं रखते हैं। ओके, हमेशा हम लोग जो माइनस का साइन रहता है वो किस में रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो गए। दूसरे पे आइए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज बहुत ईजी है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। 3/8 की पावर 4 है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 3/8 की पावर 4 है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए। तो कुछ नहीं, सिमिलरली वी कैन राइट सॉल्व द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 के पावर 4 इज 8/3 के पावर 4, एंड फाइनली दिस इज माई आंसर। बोलो भाई, कोई इसमें डाउट, दिक्कत नहीं? 3/8 के पावर 4 है रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/3 के पावर 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी सारे क्वेश्चन देखिए सेम है, कोई डाउट नहीं है एकदम। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, देखिए जैसे एक -5/6 के पावर 11 है, इसमें इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -6/5 के पावर 11 6। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 6 के पावर 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ, ये सब चीज़ें बहुत इजी है, बताने वाली चीज़ें नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ 6 के पावर 7, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1, इज 1/6 के व्हाट पावर 7।
ठीक है, ये सब छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगर जल्दी मिट गया हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 8 के पावर 0 है। देखिए इसमें भी एक लॉ काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। वी हैव 8 के पावर 0 बाय 1 दे दें। बोलो भैया, अगर क्वेश्चन में तो देखिए 8 के पावर डायरेक्ट ऐसे 0 लिखा है, ठीक है, तो 8 बाय 1 कर ले जिसके पास कुछ नहीं, पावर 1। अच्छा एक बात बताइए, एक आपने लॉ पढ़ा था इसकी वैल्यू 1 हो गई, कैसे आया? सिंस लॉ देखिए कि व्हेन ए बाई बी के पावर होल पावर, जब भी जीरो पावर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये ए बाई बी है, इसकी पावर 0 है, इसके होल पावर 0 है, इसलिए जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक और देख लीजिए, जो देखिए -3 के पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फोर के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0, सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 4 बाई 1 के पावर होल पावर 0 प्लस 5 बाई 1 के होल पावर 0 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2। फाइनली दिस इज माई आंसर, भाई ए बाई बी के पावर 0 इसकी वैल्यू 1 ये, और ए बाई बी के पावर 0 होल पावर इसकी वैल्यू 1, और 1 और 1 मिलके क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीज शुरू हो रही है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following simplify each of the following and express each as a rational number. Is a rational number. Question number 1 is, देखिए है 3 by 2 के पावर 4, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 by 2 के पावर 4 into 1 by 5 के पावर क्या है, 2 है। देखिए इसमें अब कौन सा लॉ काम करेगा, देखिए यहां पे जो दोनों के वैल्यू है a by b वाले, वो क्या सेम है, ये 3 बाई 2 है 1 बाई 5, नो सर, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम, वी कैन से दैट बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, ओके। नाउ देखें इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, भैया याद कीजिएगा, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हम लोग a बाई बी के पावर जब n करते हैं होल n, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर n और b के पावर n, बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली सर एकदम लिख सकते हैं, सेम कंडीशन, ये a बाई बी के पावर n है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव 3 बाई 2 के पावर होल पावर 4 इंटू 1 बाई 5 के होल पावर 2, a बाई बी के पावर n है, इसको लिखें a के पावर n, दैट मीन्स 3 के पावर 4 बाई 2 के पावर 4 इंटू 1 के पावर 2 बाय 5 के पावर 2। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें, अब इसको 3 के पावर 4, डैट मीन्स 3 को हम लोग कितने 4 टाइम्स तक लिखेंगे, ओके, सिंस डैट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इज इट क्लियर?
मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, वन इंटू वन बाय फाइव इंटू फाइव. ओके, नाउ वी सॉल्व इन सॉल्व इन. थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री जा एटी वन. नाउ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर. थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री जा एटी वन बाय. नाउ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट एंड एट टू जा सिक्सटीन बाय सिक्सटीन. मल्टीप्लाई साइन एज यूजुअली वी पुट हियर, वन इंटू वन वन एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव. ओके, फर्स्ट नाउ फर्स्टली वी चेक हु कैंसिल टू ईच अदर. एनी वन कैंसिल 81 एंड 16? नो, इट इज़ नॉट कैंसिल टू एनी वन एनी नंबर. एंड 125 ऑल्सो क्रॉस चेक ऑल्सो. सो सिमिलरली वी मल्टीप्लाइड 81 न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. 81 इंटू वन 81 एंड 16 इंटू 25 400. देखिए 25 टेन जा क्या 250 और 25 सिक्स जा 150. अरे देखो यार, ये मैं उर्ली कर लिया, आप लोग देखिए. सिक्स फाइव जा थर्टी, कैरी टू फाइव टू जा सिक्स फाइव जा थर्टी, जीरो कैरी थ्री, फाइव टू जा ट्वेल्व, थ्री फिफ्टी, कैरी वन, नॉट कैरी वन ओनली 50, सिक्स वन जा सिक्स, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 25 है ना भाई. फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, कैरी टू, फाइव टू जा टेन टू वॉट सिक्सटीन ही है ना. एक मिनट वेट मिनट, सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, कैरी टू, फाइव वन जा फाइव सिक्स जा थर्टी, जीरो कैरी थ्री, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री एट, मल्टीप्लाइज टू सिक्स जा ट्वेल्व, कैरी वन, टू वन जा टू, टू वन थ्री, जीरो एट टू टेन, कैरी वन, थ्री वन फोर. ठीक, 400 आ गया. समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए वेरी गुड. तो ऐसे ही कर सकते हैं. एंड फाइनली दिस इज माई आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम वैसे ही है. माइनस टू बाई थ्री के पावर फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन के पावर थ्री. अब देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव बोथ आर सेम. दोनों क्या है? सेम है. मैं क्वेश्चन नंबर थ्री बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा. सारे में a बाई बी के पावर जब n रहेगा तो a के पावर n और b के पावर n करके हम लोग सब नंबर को सॉल्व कर लेंगे. जितनी बार पावर के आएगा उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए क्वेश्चन देखिए. माइनस वन बाई टू के होल पावर फाइव माइनस वन बाई टू के होल पावर फाइव इंटू टू के पावर फोर इंटू सॉरी फोर नहीं है थ्री है इंटू थ्री बाई फोर के पावर टू. अब आप देख के डर रहे हैं, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, डरना एकदम नहीं है, मेरे रहते एकदम नहीं डरना है, सब उड़ा डालोगे, ऐसा ऐसा स्टेप बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे, ये मेरी गारंटी है. चलिए आइए देखते हैं. सर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व. वी हैव, हमारे पास ये नंबर है माइनस वन बाई टू के होल पावर फाइव इंटू. सर जिसके पास कुछ नहीं सर उसके पास वन रहता है, ये आपने मुझे बहुत बार बताया है. तो टू बाई वन के पावर होल पावर थ्री इंटू थ्री बाई फोर के पावर व्हाट टू. देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आसान हुई, सब ए बाई बी के होल के पावर में है ना. यहाँ भी ए बाई बी के होल पावर फाइव, ए बाई बी के होल पावर थ्री, ए बाई बी के होल पावर टू नंबर है ना. तो फॉर्मूला हमने बताया था एक लॉ कि जब भी ए बाई बी के होल पावर एन होगा तो सर a के पावर n लिख दें और b के पावर n लिख दें. यही हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, एक फॉर्मूला. ठीक है, तो सिंपली हम क्या करें, माइनस वन इसको पहले ऐसे लिख लें, माइनस वन के पावर फाइव बाई टू के पावर फाइव, कोई इसे ट्वेंटी फाइव नहीं समझेगा, टू के पावर फाइव इंटू ब्रैकेट बना ले, कोई इशू नहीं है, टू के पावर थ्री बाई फोर के पावर थ्री. फोर्टी थ्री नहीं है ये,
ठीक है, इनटू 3^2/4^2। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया? अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिंस -1 × -1 × -1 × -1 × -1 1, 2, 3, 4 × -1। चलिए ऊपर वाला रब कर लेते हैं, ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। फॉर्मूला मैं इतना बार खुद ही कराते कराते लिखवा दे रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार है, 5 times, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक हुआ, ठीक, कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। इंटू 2^3 2 × 2 × 2 × 4 4^3 4 × 4 × 4 ओके, नो स्टूडेंट्स, हियर इज 1 नॉट 4, डोंट राइट 4, 1^3 एंड हियर ऑल्सो 1^3, वी राइट 1 3 times 1 × 1 × 1 ओके। नाउ कम × 3 × 3/4 × 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, -1 को 5 times लिखेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, -1/V × डिनोमिनेटर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 and 62 = 32, इज इट क्लियर। -1/32 × sin वी राइट एज इट इज, ओके। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 बाय वी मल्टीप्लाई, नाउ आफ्टर 1 × 1 × 1 वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, वी गेट 1 एंड हियर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 एंड 4 × 4 = 16। फर्स्टली वी चेक हु कैंसिल टू इच अदर, 8 हु कैंसिल टू इच अदर, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, एनीवन कैंसिल टू इच अदर, नो, दैट मीन्स माय आंसर इज -1 × 9/4 × 16। वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, -1 × 9 - 9 एंड 16 × 4 = 64, -9/64 एंड फाइनली दिस इज माई आंसर, ओके। आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 नहीं हुआ, सब लोग 1 कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा सॉल्व नहीं करके बताऊंगा क्योंकि वो मैं होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, बाकी भी सारे क्वेश्चन तो होमवर्क हैं पर एकदम सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं वो लिख के बस आपको बता दूंगा, सॉल्व आप करेंगे, क्या उसमें चेंजेस है मैं ये बता दूंगा आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट -3/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज (3) (-(in brackets) -5/2 (3) कर्ली ब्रैकेट क्लोज (4)² ये क्वेश्चंस हैं। देखिए तो पहले कुछ नहीं, हम बॉडमास के रूल से जानते हैं कि पहले हम चीज़ों को ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे और कोई यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नहीं बहुत मार मारेंगे उसको, सॉरी बहुत मार मार नहीं मारेंगे, आई एम सॉरी फॉर डैट, आई एम ओनली जस्ट जोकिंग यू, डैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये बच्चों आप यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट एज यूजुअल राइट कर लेंगे, मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, चलिए अच्छा करा ही देता हूँ, पर a by b के पावर है ना, अभी सब छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग नोन रहिएगा,
ठीक है, देखिए a बाई बी के पावर क्या है, आ गया ना a बाई बी के पावर होल n, तो क्या इसमें हम कर सकते हैं a के पावर n बाई बी के पावर n कर सकते हैं एकदम इजीली। देखिए तो इसको करें माइनस थ्री के पावर थ्री बाई फोर के पावर थ्री, ओके माइनस का साइन, देखिए अब यहाँ माइनस है ब्रैकेट में डालिए, माइनस फाइव के पावर थ्री एंड बाई टू के पावर थ्री, कोई 23 नहीं करेगा, 2 के पावर 3, ठीक। अब देखिए यहाँ से करली ब्रैकेट क्लोज इनटू 4 का स्क्वायर अगर आप करना चाहते हैं तो 16 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तब इसको करते हैं, इसलिए इसको मत लिखिए, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये जाने रहिएगा। अब देखिए माइनस 3 का 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 27, अरे भाई देखिए ना माइनस 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9, 9 थ्री जा 27, ओके 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 फोर जा 16, 16 फोर जा 64, माइनस 27 बाई 64, माइनस का साइन, 5 को 3 टाइम लिखेंगे, 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, 25 फाइव जा 125, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 125 बाई 2 को 3 टाइम लिखेंगे 8। अब देखिए अब यहाँ इंटू का साइन देखिए 16 आप लिख सकते हैं, ठीक। देखिए सिमिलरली इसको क्या करेंगे, माइनस 27 बाई 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 125 बाई 8, ठीक है, इसको तो ब्रैकेट में ही आप कर लीजिए तो ही ठीक है, इनटू 16। अब देखिए इस 8 और 64 का एलसीएम लेंगे, विटे कैल्सियम, आप देखिए कितनी कैलकुलेशन सॉलिड सॉलिड है भाई, देखते रहिए, 8 और 64 का एलसीएम लिखेंगे लिख लीजिए, मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 64 एंड 8, वी गेट व्हाट, 8 वन जा 8, 8 एट जा 64, वी गेट व्हाट 64, व्हाट 64, एक बार चेक कर लेते हैं, लेके 864, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 सिक्स जा 16, 2 वन जा 2, 2 एट जा 64 ही होगा, ठीक है, वी टेक एलसीएम ऑफ 64 एंड 8, वी गेट, ठीक है, तो लिखे 64 डिवाइडेड बाय 64 वी गेट व्हाट 1 एंड 1 मल्टीप्लाई माइनस 27 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 64 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट 8, 8 8 जा 64, 8 टाइम्स में कैंसिल हुआ 8 हो गया, और 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इंटू 8 करेंगे तो पता कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं करके, 125 इंटू 8 करिए, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 टू जा 16 प्लस 4 कैरी 1, 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 8 जा 16 प्लस 4 40 0 कैरी 2, 8 वन जा 8 टू 1000, तो क्या हो जाएगा 1000, करली ब्रैकेट लगाई तो लगा सकते हैं कोई इशू नहीं है, इनटू 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1000 में से 27 जाएगा तो पता है आपको कितना बचेगा, 983 कितना बचेगा, 983, देखिए 1027, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, 9 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 7 इक्वल टू 2 3 एंड 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 973 बचा है, ठीक है, तो प्लस के साइन के साथ 973 बाई 64 इंटू व्हाट 16, देखिए 16 से कैंसिल, 16 फोर जा 64, फाइनली 973 बाई 4, दिस इज माई आंसर, देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन है,
ये सब क्वेश्चन एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सीख लीजिए। ये सब कैलकुलेशन अगर जो करना सीख गया ना, मैं उसे गारंटीज कह सकता हूँ कि उसका कैलकुलेशन में कभी फॉल्ट नहीं आ सकता। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए, चाहे सी आई एस आई एलजेब्रिक कोई भी एटसेट्रा कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल जो भी पढ़िए, ये सब जिसको कैलकुलेशन आ गया ना वो कैलकुलेशन का एकदम मास्टर हो जाएगा, एकदम जबरदस्त जिसको बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ें कितनी कैलकुलेशन है, बाई ओरली मैंने किया, ठीक है। यहाँ पहला के ए बाई बी का फॉर्मूला लगेगा, मैंने लिख यहाँ पे बताया, अभी सब बता के देखिए सॉल्व करने पे आया, हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब बाकी सारे क्वेश्चन सही सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इच एज अ रेशनल नंबर, सेम एज सिमिलर। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा जो अब एक लॉ काम करेगा, थोड़ा जल्दी आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं, अब 7 के बाद 8 पे आते हैं। यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे, अब यहाँ पे सेम बेस के जो नंबर हम लोग को मिलेंगे ये सेम मिलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इच ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 4/9 6 इंटू 4/9 -8। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ए बाई बी और ए बाई बी बोथ आर सेम इन प्रीवियस क्वेश्चन, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, बट हियर क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस कंडीशन क्वेश्चन ए बाई बी एंड ए बाई बी बोथ आर सेम, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी हैव 4/9, इसमें कोई ए बाई बी के पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा, इसमें एक लॉ के थ्रू आ जाएगा 6 × 4/9 -8 है। देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 4/9 कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखें, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ते हैं 6 + 8, पावर में है 9 के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, जरा इसमें दूर दूर लिख लेता हूँ, 6 + -8, ठीक है। कैसे देख लीजिए, कैसे ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंस 4/9 (6 + -8), ठीक है। तो 6 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 4/9, 6 में से 8 गया -2, ठीक। अब ए बाई बी के पावर ये किस फॉर्म में हो गया, यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि जब ए बाई बी के पावर, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ए बाई बी के पावर m हो इंटू और ए बाई बी के पावर n हो, तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, a बाई बी के पावर m प्लस n होता है सर। बहुत ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है कि जब a बाई बी दोनों जो है, a बाई बी और a बाई बी दोनों कंडीशन में सेम रहेगा तो हम लोग का जो पावर होता है वो जुड़ जाता है a बाई बी कॉमन लेने पे। तो मैंने भी सेम किया, 4/9 ये, 4/9 ये, एज इट इज लिख के 6 + ये -8 था तो हमने -8 कर दिया, ठीक है, पावर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए अब ये फिर ए बाई बी के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख लीजिए 4 - -2 एंड 9 - -2, डैट मीन्स 4 - -2 मीन्स -4 × -4 एंड 9 × 9, वी मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, -4 × -4 -4 × -4 -+ एंड 4 × 4 = 16 एंड 9 डिनोमिनेट, नाउ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 9 × 9 = 81 एंड फाइनली दिस इज माई आंसर, ओके। देखिए समझिए, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछिए, बताइए यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर, 16/81। नाउ कम टू ओके क्वेश्चन नंबर 2, -7/8 के होल पावर -3
इंटू माइनस सेवन बाई एट के होल पावर टू। ओके, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर थ्री बता देते हैं, देखिए थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, उसके पावर जो है दोनों में नेगेटिव के साइन है, तो कैसे चेंज करेंगे चलिए यही देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये काट दिया ठीक। देखिए माइनस फोर बाई 4 बाई 3 के पावर माइनस 3 इंटू 4 बाई 3 के पावर माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा तो जो इसका पावर था होल पावर ये डिफरेंट था, पॉजिटिव था नेगेटिव था नहीं, तो ठीक है देख लेते हैं सॉल्व। वी हैव, हमारे पास वी हैव 4 बाई 3 के पावर माइनस 3 इंटू 4 बाई 3 के पावर माइनस 2, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 4 बाई 3 के पावर माइनस 3 प्लस, हाँ देखें तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन हमारा था 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 3 इंटू 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये और ये दोनों सेम है, तो है एक फॉर्मूला देखें, तो हमने क्या लिखा, वी हैव 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 3 इंटू 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 2। 4 बाई 3 मैंने कॉमन लिया, 4 बाई 3 कॉमन लेके माइनस 3 प्लस माइनस 2 कर दी, कैसे किए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बाई बी के होल पावर m इंटू ए बाई बी के होल पावर n होता है, तो a b कॉमन लेके जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स के अब पावर, तब उसके क्या होते हैं पावर जुड़ जाते हैं, जैसे हम करें 4 इंटू 4 तो इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, 4 4 जा 60, अभी ये मत पढ़ो रहने दो, जैसे मान लीजिए हो गया x इंटू एक्स, तो क्या होते हैं इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है एक कॉमन लिख लेते हैं और इस कंडीशन क्या होते हैं पावर जुड़ जाते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी है, ये लॉ आपको मैंने इनिशियली में पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि जब a बाई बी के होल पावर m और इंटू a बाई बी के होल पावर n रहेगा तो उस कंडीशन में a बाई बी को कॉमन लेके m प्लस n कर देंगे, सेम हम लोगों ने यहाँ पे ये काम किया है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करें हम लोग, सिंस 4 बाई 3 के होल पावर, ये देखिए माइनस 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 3 माइनस 2, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, हम जानते हैं सर कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं और माइनस का साइन नेगेटिव लगा देते हैं माइनस 5। देखिए a बाई बी के पावर n आया ठीक, अब देखिए इसका पावर ये माइनस में, जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 3 बाई 4 के पावर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 3 माइनस 2, हमने जब इसको सॉल्व किया तो 4 बाई 3 के पावर और दो नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होती है और नेगेटिव के साइन एज विजुअल राइट करते हैं 4 बाई 3 के होल पावर माइनस 5 है। अच्छा जरा याद कीजिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a बाई बी के पावर जब माइनस 1 रहता है तो ध्यान से दीजिएगा, तो ये क्या होता है b बाई ए हो जाता है। अब देखिए कंपल्सरी ये नहीं है कि यहाँ माइनस 1 है, अब यहाँ माइनस 1 ही होना चाहिए, यहाँ कुछ भी n भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, नंबर में 1 2 3 4 कुछ भी है, माइनस 1 रहेगा तो b बाई ए। अब ये क्वेश्चन आपका है कि 4 बाई 3 के पावर माइनस 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इस फॉर्म में कि देखिए 3 बाई 4 ये b है ये a है कि पावर 5 ठीक। अब इसको हम लोग इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे राइट करेंगे ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखिए समझ में आना है, a बाई बी के पावर इसको रेसिप्रोकल किए, यहाँ पे ये माइनस 1 था ठीक है, लॉ में ये था कि माइनस 1 था तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो इसको हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, पर यहाँ जब माइनस 5 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 क्या है एक बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसके पास 1 रहता है, ये हम लोग नोन रहते हैं चाहे किसी भी कंडीशन में, पर यहाँ तो ऑलरेडी आपको 5 गिवन है तो इसलिए हम लोग 5 को लिखेंगे। चलिए ठीक है
देखिए 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 4 × 4 × 4 × 4. नाउ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, and 81 × 3 = what? 243. नाउ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 24, 6 × 24 = 256, 256 × 256 × 24 = 0, 5 × 4 = 20 + 2 = 2, and 4 × 8 = 10. That means 1024, and finally this is my answer. Okay, students, अब आगे की जो exercise है, question है, उसको हम लोग next class में discuss करेंगे. तब तक के लिए thank you. Till then, bye bye, जय हिंद.